हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीआईडी सर, मैंने फोन किया था सर। क्या बात है सर? सर एक्चुअली मैंने एक आदमी को यहाँ से भागते हुए देखा सर। सर उसके कपड़ा में खून लगा हुआ था और उसके साथ एक मासूम बच्चा भी था सर। वो इस रास्ते से भागा हुआ है सर। उसे जाने क्यों दिया? लोग इतने सारे लोग थे, पकड़ा क्यों नहीं? सर हमने तो पूरी कोशिश की उसे रोकने की, पर उसके हाथ में चाकू था। और उसके हाथ में चाकू देख के आप सब डर गए? नहीं सर, उस वक्त हमें बच्चे की फिक्र थी। उसके हाथ में चाकू था और वो बहुत गुस्से में था, इसलिए हम लोग पीछे हट गए सर। सर उस बच्चे की जान को तो खतरा है। चलो उस गली में चल के देख। सर एक मिनट। सर मैंने उस आदमी और बच्चे की फोटो अपने मोबाइल पे ली है, ये देखिए। वेरी गुड, जरा मेरे मोबाइल पे भेजना ब्लूटूथ से। जी सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऐसे भागते हुए देखा, इसके हाथ में छोटा सा बच्चा था और एक चाकू भी था। पूर्वी, जरा उस दुकान वाले से पूछना। सर क्या कुछ बैठे इस आदमी को देखा यहाँ पे यहाँ आसपास? चक्कर है सर। हाँ बोलो सर। वहां से कुछ पता नहीं चला। कमाल है, किसी ने इस आदमी को नहीं देखा, उस बच्चे को नहीं देखा, गया कहाँ है? सर कहीं आदमी बच्चे को लेकर छुप तो नहीं गया? हो सकता है, इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? क्या हो रहा है? प्लीज हटिए जरा, हटिए हम लोग सीआईडी से प्लीज। मर चुका है। ये देखिए सर, चाकू पड़ा हुआ है यहाँ। चाकू? जरा पलटो सर। ये तो वही आदमी है जो बच्चे को लेके भाग रहा था। उसकी छाती पे गोली मारी गई। गोली? बच्चा कहाँ? पूरी सर आसपास देखो, बच्चा कहाँ? आप लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं नहीं सर।
नहीं। अच्छा, इस आदमी के पास एक छोटा सा बच्चा था, बच्चा देखा आप लोगों ने? नहीं सर, हम लोग तो इधर खाना खाने के लिए बाहर जा रहे थे तो देखा कि ये आदमी मरा पड़ा है। सर ये सुनसान रास्ता है, अक्सर यहाँ से कोई आता जाता नहीं। सर बच्चा तो कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? और सर इसके पास से भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली। एक काम करते हैं, इस आदमी की फोटो सारे अखबार और पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अब उस बच्चे की गायब होने की रिपोर्ट किसी ने लिखवाई है या नहीं ये भी पता करते हैं। अरे तुम्हें ही फोन लगा रहा था, क्या हुआ, कुछ पता चला उस बच्चे के बारे में? नहीं अभिजीत, किसी भी पुलिस स्टेशन में उस बच्चे के मिसिंग होने की कोई रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। कमाल है, कैसे माँ बाप है, बच्चे की जरा भी फिक्र नहीं है। सर, सर मरने वाले आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा अभिजीत, हो सकता है मरा हुआ आदमी इस बच्चे के माँ बाप को अच्छी तरह से जानता हो, शायद कोई रिश्तेदार हो उनका, इसीलिए माँ बाप निश्चिंत है कि उनका बच्चा इस आदमी के पास सुरक्षित है। हो सकता है, पर उनको क्या मालूम कि बेचारे की मौत हो गई है और बच्चा गायब है। सर ये रोनी थे, जिस आदमी का खून हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहते। क्या जानते हैं आप उस आदमी के बारे में? सर उसका नाम पुनीत था, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। सर हम आपके दोस्त को तो वापस नहीं ला सकते, पर उसके खूनी को पकड़ के उसे सजा जरूर दिलवा सकते हैं। करता क्या था ये पुनीत? सर वो एक बीपीओ में काम करता था। अच्छा, पुनीत ने कभी आपसे बताया कि उसे किसी से कोई खतरा था? नहीं सर, खतरे के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उसने। अच्छा, उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं आप? किससे मिलता था, कहाँ जाता था, कोई अजीब बात? सर रात को तो वो बीपीओ में काम करता था, लेकिन दिन में भी वो कुछ तो करता था, क्योंकि जब भी हम फिल्म के लिए या लंच के लिए उसे बाहर बुलाते थे वो हमेशा हमें ना कर देता था। क्या क्या करता था दिन में ये? सर हमने पूछा लेकिन वो कभी इस बारे में कुछ कहा नहीं हमें। अजीब आदमी, ये पुनीत दिन में जाता कहाँ होगा? पुनीत के साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? बच्चा? नहीं नहीं सर, पुनीत की तो शादी भी नहीं हुई थी। शायद उसके किसी रिश्तेदार का हो? नहीं सर, पुनीत का इस शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था। रहता कहाँ था ये पुनीत? खबर की न्यूज़पेपर कटिंग्स, इन्हें पुनीत ने इतना संभाल के क्यों रखा हुआ है? व्हाट? पुनीत एक प्राइवेट डिटेक्टिव था? फोटोज यहां क्या कर रहे हैं? कुछ पता चला सर? बहुत कुछ। पुनीत एक जासूस था, उसने इस बच्चे और उसके परिवार पर नजर रखा हुआ था। ये देखो, उसकी डायरी में मिस्टर जगन और उनकी पत्नी मिसेज नलिनी हर दिन का शेड्यूल लिखा हुआ है। एक सेकेंड,
यस, ये बच्चा और उसकी माँ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए थे। यही डायरी में आखिरी एंट्री है। पुनीत ने इसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो जो कुछ भी हुआ है सर, डॉक्टर की क्लिनिक से निकलने के बाद ही हुआ है। अब ये डॉक्टर ही हमें बताएगी कि ये बच्चा और उसका परिवार रहता कहाँ है। कहिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये नलिनी है और ये इसका बेटा सोनू है। मैं इस बच्चे की डॉक्टर हूँ। दरअसल सोनू लापता है। लेकिन कल ही तो नलिनी इसे वैक्सीनेशन के लिए मेरे पास लेकर आई थी। जी हाँ, वो तभी से लापता है। आपके पास उसका एड्रेस होगा? जी हाँ। सोनू की फाइल लेकर अंदर आना। सोनू के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगी मैं आपको। उसे एक खास तरह की एलर्जी है, इसलिए उसे हर 48 घंटे में एक इंजेक्शन देना पड़ता है, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे सांस लेने में तकलीफ होगी। अच्छा, तो अगला इंजेक्शन उसे कब देना होगा? कल सुबह। अगर नहीं दिया गया तो उसकी जान को खतरा है। अब घबराइए नहीं, हम सोनू को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। आप लोग, आपको किससे मिलना है? सीआईडी। हमें मिस्टर जगन और नलिनी जी से मिलना है। वो लोग हैं घर पे? क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो ये आप अंदर इंतजार कीजिए, मैं मैडम को बुलाता हूँ। मैं मैं उनकी छोटी बहन दिव्या हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? आपको वाकई नहीं पता कि सीआईडी आपके घर में क्यों आई? नहीं पता, जो कहना है जल्दी कहिए, मुझे बहुत काम है। वैसे भी हम आपसे मिलने नहीं आए, हमें जगन और नलिनी से मिलना है। उन्हें बुला देंगे प्लीज? वो घर पर नहीं है, छुट्टियां मनाने शहर से बाहर गए हैं। अच्छा, और उनका बच्चा? बच्चा? ये कैसा सवाल है? सोनू इतना छोटा है तो ऑब्वियसली बात है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही गया होगा ना। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, वो सिर्फ 1.5 साल का है। जानकारी के लिए शुक्रिया। वैसे मेरा सवाल ये है कि ये बच्चा इस आदमी के साथ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता ये बच्चा कौन है, और इस फोटो में तो बच्चे का चेहरा साफ से दिखाई भी नहीं दे रहा है। और आप कह रहे हैं ये सोनू है? प्रोफाइल में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आप मासी होकर भी पहचान नहीं पा रही। मैंने कहा ना ये सोनू नहीं है। अच्छा, ये इस फोटो में ये लोग कौन है? ये दीदी है, जीजाजी और सोनू। सोनू, इस फोटो के हिसाब से तो फिर ये भी सोनू ही। मैंने कहा ना ये सोनू नहीं है। अच्छा, इस फोटो में जो सोनू के साथ आदमी है, क्या आप उसे पहचानती? मैंने इसे कभी नहीं देखा है। भगवान जाने आप किसकी फोटोज मुझे दिखा रहे हैं। आप हमें गुमराह कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं हमसे। आप सब लोग मुझे अलग अलग भी पूछेंगे ना, तो भी मेरा जवाब यही होगा। मैं यही कहूंगी कि तीनों एक साथ महाबलेश्वर गए हैं घूमने। मैं सच कह रही हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। और अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई है तो प्लीज जाएंगे जरूर, लेकिन तहकीकात पूरी करने के बाद। जरा घर की अच्छी तरीके से तलाशी ले लो। लेकिन क्यों? देख लेते हैं कहीं आपके दीदी और जीजा जी छुप के बैठे ना हो। सर, सर घर में कोई नहीं है। अंदर कोई नहीं है सर। सर घर पे कोई नहीं।
वैसे जगन जी और नलिनी जी महाबलेश्वर गई कैसे? अपनी गाड़ी से। नंबर क्या है गाड़ी का? X04-2312। ओके निखिल, ये नंबर सारे टोल नाके और आरटीओ में भेज दो। देखो किसी ने इस गाड़ी को महाबलेश्वर जाते हुए देखा है क्या। अगर आप लोगों की पूछताछ खत्म हो गई हो तो मेहरबानी करके प्लीज। लगता है बहुत जल्दी में आप। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। इतनी अकड़ के साथ किसी को झूठ बोलते हुए पहली बार देखा। वो तो दिख रहा है। सर सब कुछ जानकर भी अनजान बन रही। एक काम करते हैं, इस दिव्या पे 24 घंटे नजर रखते हैं। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और क्या बात करती है। लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि वो क्या बात कर रही है? चलेगा, वो भी पता चलेगा। वणक्कम जी। वाई आई एम यंगर। व्हाट? माय नेम हम टेलीफोन एक्सचेंज आदि फोन रिपेयर होना। हमारा फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है। नहीं नहीं ना, ये ना अभी बारिश होना है, ये सारे एरिया पूरे एरिया का फोन हिल है, वो तो प्रॉब्लम होना मेरे को। आज आपका एरिया का फोन रिपेयर करना, कल मेरे को ट्रामे जाने का। पर मैंने कहा ना फोन बिल्कुल ठीक है। अरे अम्मा, आज आपका फोन ओके होना, कल नॉट ओके होना, आपको प्रॉब्लम होना, मेरे को ट्रॉम्बे से इधर आना, मेरे को कितना हैवी ट्रैफिक होना, 2 मिनट में पड़ना अम्मा, 2 निमिषो फटाफट रिपेयर बोल दो। ओके ओके चेक कर लीजिए। चाहिए ओके फोन इंग रखा क्या? सॉरी सॉरी, फोन किधर है आपका? बाय हेलो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। चलो फटाफट करो अपना काम अभी। फटाफट अयो अम्मा, हमारा बचपन में फटाफट नाम का हाजमे का गोली होता है, एकदम खट्टा मीठा। हम बचपन में कुछ भी खाता, हाजमे का गोली खाता फटाफट, सुबह एकदम फ्रेश। क्या चुपचाप काम करो अपना। नहीं हम तो काम कर रहे हैं, हमको क्या है, हम तो गारमेंट का आदमी है। गारमेंट माने पब्लिक, पब्लिक माने आप, हम आपका आदमी। क्या बकवास कर रहे हो? अरे तो वो नहीं मेरा मतलब, अयो सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट। आप भी ना अम्मा, वैसे अपना बॉडी और फोन का बॉडी सेम, एकदम सेम। जैसा फोन के अंदर वायर होता ना, रेड ग्रीन ना व्हाइट ब्लैक, वैसे अपना बॉडी के अंदर वायर होना रेड ग्रीन व्हाइट ब्लैक का, वायर को अलग अलग रखने का, नहीं तो क्या होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हो गया, चलिए प्लीज जल्दी कीजिए। वाके वाके वाके, थैंक यू, चलिए ओके ओके। अम्मा बर्फ होना मंगवा लूंगी, चलिए प्लीज। ओके 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 ओके, काम हो गया। हाँ बोलो।
अरे नहीं, ऐसी खबर का कोई फायदा नहीं। अपने कान नाक आंख सब अच्छी तरह खुले रखो, समझे? सर मेरी खबी का फोन था, बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। और सर जिस इंजेक्शन की उसको जरूरत है वो भी किसी केमिस्ट शॉप से बेचा नहीं गया। माय गॉड, डॉक्टर के मुताबिक वो इंजेक्शन इस बच्चे को कल सुबह तक लगना बहुत जरूरी है। सर घंटी बजे। हेलो, जो बोला था वही किया है ना? कहीं सीआईडी के सामने सच तो नहीं उगल दिया? जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है, मैंने सीआईडी को कुछ नहीं बताया है। गुड, वेरी गुड, आगे भी मुंह मत खोलना वरना तुम्हारे सोनू की सांसें बंद कर दूंगा। नहीं नहीं प्लीज, सोनू को कुछ मत करना, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। प्लीज मुझे बताइए मुझे आगे क्या करना है। इंतजार करो, बाद में बताता हूँ। बाद में क्यों, अभी बताइए ना। ए, चुप, जानती है किससे बात कर रही है? मुझे ऑर्डर देगी तू? सॉरी सॉरी, पर प्लीज सोनू को वो दवाई का इंजेक्शन जरूर देना, हर 48 घंटे में उसे इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। प्लीज कल सुबह तक एक रिक्वेस्ट है, प्लीज। मुझे मत सिखा मुझे क्या करना है, समझी? लेकिन उसे वो इंजेक्शन नहीं दिया तो उसकी जान को खतरा है, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, सर इसका मतलब कोई दिव्या को धमकी दे रहा था? हाँ, इसीलिए वो हमें साफ साफ बातें नहीं बता रही थी। एक काम करो, पता लगाओ ये फोन कहाँ से किया गया था और इस वक्त ये फोन कहाँ पे है। कुछ पता चल रहा है मोबाइल कहाँ पे है? सर फोन लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है सर, और आगे की तरफ जा रहा है सर। रजत 2 किलोमीटर की दूरी पे है सर। सर काफी करीब आ गए सर। अच्छा, आगे ही जा रहा है सीधे? हाँ सर सीधे ही जा रहा है। रजत थोड़ा जल्दी। सर फोन हमारी गाड़ी के आगे दिख रहा है सर। अच्छा, हमारे आगे तो ये टैक्सी है सर, कहीं टैक्सी में फोन तो नहीं? हो सकता है। रजत इस टैक्सी के बराबर ही ले लो। सर फोन का सिग्नल बराबर में चल रहा है सर। टैक्सी में ही फोन, रजत रुको। अरे क्या प्रॉब्लम क्या आप लोग कहाँ इस तरह गाड़ी के आगे गाड़ी लगाते हैं? अभी ब्रेक नहीं लगता टाइम पे तो क्या नुकसान तुम्हारा भी होता हमारा भी होता। अरे नुकसान कौन भरता? हाँ कौन है कौन आप लोग? सीआईडी। सॉरी साहब गलती हो गई साहब, मुझे मालूम नहीं था आप लोग सीआईडी वाले। सॉरी है, अभी तो जेल जाएगा समझा? जेल जेल के साहब मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई। गलती नहीं गुनाह किया तूने, एक छोटे से बच्चे को अगवा किया है। नहीं साहब मैंने किसी बच्चे को अगवा नहीं किया साहब, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता साहब, मैं खुद ही बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। देख आखिरी बात पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे वरना तेरा वो हाल होगा कि तुम। साहब मुझे नहीं मालूम आप किस बच्चे के बारे में पूछ रहे साहब, मैं नहीं जानता कौन सा बच्चा किसका बच्चा साहब। 1568344222 तुम्हारा ही मोबाइल नंबर है ना? नहीं साहब मेरा मोबाइल नंबर ये नहीं है साहब। अच्छा फोन लगाओ जरा। 15 सर फोन तो गाड़ी में बज रहा है। किसका फोन है ये? पता नहीं साहब किसका फोन है, मेरा सेल फोन नहीं है साहब ये। तो फिर गाड़ी के अंदर कैसे आया? मुझे नहीं पता साहब, मैंने तो अभी 1 घंटे पहले ही टैक्सी निकाली साहब, अभी तक केवल एक ही वाड़ा मारा मैंने, एक ही पैसेंजर को छोड़ा है। पैसेंजर कौन कौन था वो पैसेंजर? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था, वो फोन पे बातें कर रहा था, गाड़ी में बैठा और बोला चलो। ठीक है उस पैसेंजर को कहाँ छोड़ा था चलो दिखाओ। बस सर बस 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 यहीं से यहीं से इसी जगह पर था। सब उस आदमी को यहीं पर छोड़ा था मैंने। क्या यहीं पर छोड़ा था? रास्ते तो आगे मर्ड जिप्टी की तरफ जाता है,
हो सकता है वो आदमी जेट्टी पकड़ के दूसरी तरफ चला गया। नहीं निकल, अगर जेट्टी की तरफ जाना होता तो जेट्टी पे उतरता, यहाँ पे क्यों आता? यहाँ अंदर देखते हैं। बच्चे की रोनी क्या? लगता है सही जगह पे आ गया। तुम यहीं रुकना, ओके? नीचे जाके देखो कोई दूसरा दरवाजा है क्या अंदर जाने का। सर, सर घर में कोई नहीं है। है जाते काम करो, इसे इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ इसे इंजेक्शन लगा। यस सर, जल्दी। सर सुनो, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। जरा देखो इनमें से किसी को छोड़ा था तुमने? ये सब इसको छोड़ा था मैंने। पर अगर इसने बच्चे को किडनैप किया था तो फिर इसको और इसके साथी को मारा किसने होगा? और फिर बच्चे को यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया। मतलब इन सब के पीछे कोई और है, और वो जो कोई भी है बहुत शातिर है। देखते हैं कब तक बचता है हमारे हाथों। बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। कितना प्यारा बच्चा है सर ये। हाँ, तो अच्छा हुआ हम वहाँ वक्त पर पहुंच गए और बचा लिए, इंजेक्शन भी दे पाए। हाँ सर, जब हमें मिला था तो कैसे रो रहा था, और अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। घर लेके जा सकती हूँ? नहीं दिव्या, सोनू की जान को खतरा है, इसलिए तुम उसे ले नहीं जा सकती। खतरा? अब कैसा खतरा सर? दिव्या जी, जिन गुंडों ने सोनू को किडनैप किया था वो मारे गए, इसका मतलब है असली अपराधी कोई और ही है। क्या? जब तक ये आदमी पकड़ा नहीं जाता सोनू हमारे साथ ही रहेगा। सोनू हमारे साथ सुरक्षित भी रहेगा और खुश रहेगा। सर मुझे सोनू की कोई चिंता नहीं है, चिंता मुझे दीदी और जीजू की है। पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे वो। सर जगन जी ने होटल हिल स्टार में बुकिंग तो करवाई थी, मगर वो या नलिनी वहां पर पहुंची नहीं, और जहां पर उनका मोबाइल आखिरी बार ट्रेस हुआ था वहां से भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, मगर बैंक रिकॉर्ड से पता चला है कि उन्होंने सुबह एसवी रोड के एक एटीएम से पैसे निकाले थे। मतलब बावलेश्वर पहुंचने से पहले ही दया जगन और नलिनी पर हमला हुआ है, और इस बच्चे को भी अगवा किया गया। सर जगन के गाड़ी का नंबर का पता चल गया था सर, हमने सारे चेक नाके और आरटीओ में इन्फॉर्म कर दिया। बस दया, बच्चा तो हमें शहर में मिला है, मतलब गाड़ी भी शहर में ही होनी चाहिए, शहर में। अरे सुभाष, We'll be right back.
क्या हुआ? अरे यार ये गाड़ी है ना जो कल सुबह से खड़ी है, कोई लेने नहीं आया है? दो दिन हो गए। हाँ और ये गाड़ी यहीं पे खड़ी है। यार मुझे लगता है पुलिस को फोन करना चाहिए, हो सकता है गाड़ी में कोई बम हुआ तो। हाँ कर दे, पुलिस को फोन कर दे। नमस्ते सर। कहाँ है वो कार? सर ये सिल्वर वाली। चाबी। सर। माय गॉड, ये तो वही औरत है जिसका बच्चा गायब है, नलिनी। सेवती जिंदा है, सांसें चल रही हैं। अगर एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है। कौन लेके आया था ये गाड़ी? सर एक आदमी आया था। कौन था, जानते हो उसे? सर चेहरा सही से आदमी है सर। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला सर। सर जगन अपनी पत्नी नलिनी और बच्चे के साथ घर से निकला था, तो फिर अकेले कहाँ गायब हो गया? वही तो। एक काम करो, दिव्या को फोन करके हॉस्पिटल बुला लो। यस सर। सर दिव्या अपना मोबाइल नहीं उठा रही। मोबाइल नहीं उठा रही? लैंडलाइन में फोन करो। सर अपना लैंडलाइन भी नहीं उठा। सर कहीं दिव्या की जान को खतरा तो नहीं? हो सकता है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हुआ, क्या हुआ, किसने किया ये सब? कौन वो? दो लोग थे। कौन से लोग? मैडम को उठा लेंगे। उठा के लेंगे? कौन कौन से लोग? बोल। घर में कोई नहीं है सर। सर कोई भी नहीं। एक काम करो, दिव्या के नंबर पर फोन। सर निकल, एम्बुलेंस बुलाओ। सर दिव्या का फोन तो यही कहीं बज रहा है। हाँ देखो किधर है। सर ये रहा दिव्या का फोन। देखो किस नंबर से आपके फोन आया था। सर आखिरी नंबर तो जगन का है। जगन? जगन का फोन एक घंटे पहले। सर लगभग उसी वक्त हम लोग जगन को फोन ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था। जगन का फोन ट्रैक करके उस तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। We'll be right back.
ने जैसा कहा था मैंने वैसा किया। मैं दिव्या को यहाँ लेकर आ गया हूँ। प्लीज अब तुम मेरा काम कर दो। बहुत अच्छे जगन, बहुत अच्छे। मुझे पता था कि तुम दिव्या को साथ लेकर यहाँ जरूर आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हा? देखो तुम मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। प्लीज मेरा मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। प्लीज मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। बस यही देखना चाहता था तुझे मारने से पहले मेरे सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था। कितना सुकून मिला मुझे। हा? अब जैसे ही दिव्या को होश आ जाएगी मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मुझे अपनी पत्नी से इतने दिनों तक दूर रहना पड़ा। तूने फंसा था ना मुझे, बोल, तूने फंसा था ना मुझे। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें फंसाया था, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरा मेरा बच्चा वापस कर दो मुझे। तुम जो कुछ भी कहोगे ना मैं दिव्या के सामने कहने को तैयार हूँ, जो कुछ भी कहोगे। ये सब तुमने किया रौनक? हाँ दिव्या, ये सब मैंने किया, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुम्हारे जीजा जी की सारी सच्चाई तुम तक लाना बहुत जरूरी था मेरे लिए। सच्चाई? कैसे सच्चाई? दिव्या, कंपनी में 14 लाख का जो घोटाला हुआ था वो मैंने नहीं, जगन ने किया था। तो मैंने कंपनी में कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा था, ये सब काम इसने किया है। सारा काम करने के बाद जब इसे लगा कि ये पकड़ा जाएगा तब इसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया ताकि तुम्हारे सामने गलत साबित मैं हूँ और ये बच जाए। पर ये सब साबित करने में तुमने सोनू की जान खतरे में क्यों डाली? वो तो अच्छा हुआ कि सोनू सीआईडी वालों को मिल गया। दिव्या, मेरे पास इससे सच्चा उगलवाने का और कोई रास्ता नहीं था। जीजा जी, ये जो भी कह रहे हो वो सच है? नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे गुमराह करना चाहता है तुमको, जबरदस्ती मुझसे कहलवाना चाहता है कि इसने कुछ नहीं किया। मगर एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 1 साल पहले जो कुछ भी हुआ है ना ये सब इसी ने किया। अरे इसी ने किया है। झूठ! अरे इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तू बदल रहा है। तुझे तुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जीजाजी! जो जाए चुपचाप वहां खड़ा रहे। बहुत शौक है गोली चलाने का है? अपना बदला पूरा करने के लिए एक मासूम बच्चे को परेशान किया तूने? जगन सच बताओ, ये रौनक जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है? हा? एक और झूठ बोला ना तुमने तो समझ लेना। हाँ रौनक जो कुछ भी कह रहा है वो सच कह रहा है। कानून से बचने के लिए ही मैंने सारे इल्जाम इस पर डाले थे। आपने ये सब कुछ आपने किया जीजा जी? मेरी शादीशुदा जिंदगी को आपने बर्बाद किया। मैंने तो हमेशा आपको बड़े भाई की तरह माना और आपने उस प्राइवेट डिटेक्टिव पुनीत को तुमने ही लगाया था ना जगन के पीछे? हाँ सर, जब जगन ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया तो मुझे नौकरी से हटा दिया गया था। सर 5 साल तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली थी, फिर बदला लेने के लिए मैंने पुनीत को हायर किया था जो प्राइवेट डिटेक्टिव था। मैंने पुनीत को कहा कि जगन और उसके परिवार पर नजर रखो और उसी ने तुम्हें बताया कि जगन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ महाबलेश्वर जा रहा है, क्यों? हाँ सर, लेकिन जब जगन अपने गाड़ी से उतरा ATM जाने के लिए तब मैं चुपके से उसके गाड़ी में घुस गया, उसकी पत्नी नलिनी के सर पे वार किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर जगन जब वापस गाड़ी में लौटा तो मैं उसे बंदूक दिखाकर
गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले जाने के लिए मजबूर किया। देखो देखो तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, देखो बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। चुप, चिल्लाना मत, नहीं तेरे बच्चे की आवाज ही बंद कर दूंगा, समझा? बच्चे को कुछ मत कर लो, बच्चे को कुछ नहीं। हाँ ये हुई ना बात, चल गाड़ी में बैठ। ए बिठाओ इसे गाड़ी में। ए ये क्या हो रहा है रोनी जी? किडनैपिंग। क्या? यस। लेकिन आपने तो मिस्टर जगन और उसके परिवार पर नजर रखने के लिए कहा था, आपने किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं कहा था मुझे। तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिले हैं ना, जाओ आप। भाई मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। अच्छा तू बचाएगा बच्चे को? तू बचाएगा? हाँ मैं बचाऊंगा इनके बच्चे को। जाओ बच्चा इधर। अरे मुंह क्या देख रहा, पकड़ो इसे। देखिए भागो तुम लोग उसके पीछे। लेकिन पुनीत को मारने की वजह क्या थी? क्योंकि उसे मेरी असलियत पता चल गई थी। मुझे जगन का बच्चा किसी भी हालत में चाहिए था, वरना मेरा प्लान बिगड़ जाता। तो रास्ते में तुमने पुनीत को मार डाला और उससे उस बच्चे को छीन लिया, फिर क्या किया तुमने? सर मैंने बच्चे को अपने गुंडों के पास रखा। जब तक बच्चा मेरे पास था जगन मेरी मुट्ठी में था। मैं चाहता था कि जगन खुद अपने मुंह से दिव्या को सारी सच्चाई बताए, लेकिन उससे पहले एसीआईडी टीम पहुंच गई और मुझे अपने आदमी को ही मारना पड़ा। काम खत्म, तुम लोगों का खेल भी खत्म। बच्चे को लेकर तुम फरार होने वाले ही थे, मगर उससे पहले हम लोग वहां पहुंच गए। हाँ सर, लेकिन जगन को यह नहीं पता था कि उसका बच्चा मेरे पास नहीं बल्कि सीआईडी की हिफाजत में है। मैंने जगन को मजबूर किया था कि वो दिव्या को खुद लेके यहाँ आए, ताकि अगर सीआईडी उसे पकड़ ले तो दोषी वो साबित हो और ये इल्जाम अपने ऊपर ले लेता, क्योंकि इसे गलत फहमी थी कि इसका मासूम बच्चा तुम्हारे कब्जे में है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तुमने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की, नन्ही सी जान को अगवा किया, दिव्या नलिनी पर हमला करवाया, पुनीत का खून किया। तुम्हें तो फांसी के सिवा और कोई सजा नहीं मिल सकती, सिर्फ फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.